तो दोस्तों प्रो कबड्डी सीजन 9 का जो मैच नंबर 15 है वो खेला जाएगा यूपी योद्धा और दबंग दिल्ली केसी की टीमों के बीच में। यानी इस मैच के अंदर हमें प्रदीप नरवाल और नवीन कुमार गोयत की टक्कर देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं इस मैच को। क्या यहाँ पर दोनों ही टीमों की स्टार्टिंग 7 हो सकती है इस मैच के लिए? दोनों ही टीमों को स्क्वाड्स को एनालाइज करेंगे और लास्ट में यहाँ पर वीडियो के बाद करेंगे यहाँ पर कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो आप कीजिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बाद आइकन को दबा लें कबड्डी से शानदार अपडेट पाने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं दबंग दिल्ली केसी की टीम की स्टार्टिंग 7 को, तो हमें सेंटर पर दिखाई देने वाले हैं नवीन कुमार गोयत। और बात करें यहाँ पर टीम के कवर्स की, तो राइट कवर पर हमें दिखाई देने वाले रवि कुमार और लेफ्ट कवर पर उनका साथ देने वाले विशाल लाठर। अब बात करते हैं यहाँ पर टीम के सेकंड लीडर की, तो वो होने वाले यहाँ पर मनजीत। और टीम के यहाँ पर थर्ड लीडर होने वाले आंसू मलिक। तो हुई यहाँ पर दोस्तों बात करें कॉर्नर्स की, तो राइट कॉर्नर पर हमें दिखाई देंगे किरण धूल और लेफ्ट कॉर्नर पर उनका साथ देने वाले संदीप धूल। तो ये थे यहाँ पर दोस्तों दबंग दिल्ली की टीम की स्टार्टिंग 7। अपने पहले दो मुकाबले में दिल्ली की टीम को यहाँ पर शानदार जीत प्राप्त किया दोनों ही मैचों में। यहाँ पर नवीन कुमार गोयत बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिए हैं, दोनों ही मैचों में उन्होंने यहाँ पर अच्छे सुपर टर्न लगाए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों रेडिंग में उनका साथ दिया है आसू मलिक और मनजीत ने। दोनों खिलाड़ी यहाँ पर बहुत यंग अच्छे प्लेयर हैं। अब बात करें यहाँ पर डिफेंस की, तो डिफेंस में यहाँ पर कवर भी बहुत अच्छे खेले हैं यहाँ पर दबंग दिल्ली के। पिछले मुकाबले में 2 पॉइंट मिले थे रवि कुमार को, तो हमें 3 पॉइंट मिले टैकल में विशाल को। कॉर्नर्स में यहाँ पर पिछले मुकाबले में कृष्ण धूल ने बहुत ही शानदार हाई फाइव लगाया था, सेट टैकल पॉइंट हासिल किए थे। यहाँ पर दोस्तों संदीप धूल की थोड़ी फॉर्म यहाँ पर गड़बड़ाई हुई है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल दिल्ली की टीम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी योद्धा की टीम की स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो हमें सेंटर पर दिखाई देने वाले डुपकिंग प्रदीप नरवाल। और बात करें यहाँ पर टीम के कवर्स की, तो हमें राइट कोर पर दिखाई देने वाले हैं आशु सिंह और लेफ्ट कोर पर उनके जोड़ीदार होने वाले हैं शुभम कुमार। और बात करें यहाँ पर टीम के सेकंड लीडर की, तो वो होने वाले हैं सुरेंद्र गिल और टीम के यहाँ पर थर्ड लीडर होने वाले दुर्गेश कुमार। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीम के कॉर्नर्स की, तो हमें राइट कॉर्नर पर दिखाई देने वाले हैं नितेश कुमार टीम कैप्टन और लेफ्ट कॉर्नर पर उनका साथ देने वाले हैं सुमित सांगवान। तो ये थे यहाँ पर दोस्तों यूपी योद्धा की टीम की स्टार्टिंग 7। अपने पहले दो मुकाबले के अंदर यूपी की टीम को एक मैच में जीत मिली है, एक मैच में हार। पिछला मैच यहाँ पर हारी थी वही मुंबई की टीम से। इस मैच में यहाँ पर दोस्तों टीम का कोई भी एडर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था। प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल और यहाँ पर दुर्गेश, तीनों प्लेयर्स को यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। यहाँ पर बहुत टैकल हुए थे दोनों खिलाड़ी, लेकिन जो डिफेंस यूपी का वो अच्छा दिखाई दे रहा है। पिछले मुकाबले में 4 पॉइंट लेते यहाँ पर कवर में आशु सिंह ने, 3 2 पॉइंट यहाँ पर मिले थे नितेश कुमार को, तो 4 पॉइंट मिले थे सुमित सांगवान को। तो डिफेंस अच्छा है यहाँ पर यूपी का, लेकिन रेडिंग में थोड़ी गड़बड़ है। अगर ये सुधर जाएगी तो मैच बहुत ही शानदार होने वाला है दोनों टीमों का। और इस मैच में यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से जीत सकते हैं दबंग दिल्ली केसी की टीम। आप यहाँ पर हमें कमेंट के बताइए कौन सी टीम इस मैच को जीते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।